अप्रैल 2024 श्री हनुमान जन्मोत्सव बाबा नीम करौली मंदिर जौनापुर नई दिल्ली पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सिंगर उदयवीर तंवर, सिंगर प्रतीक्षा तंवर की पार्टी तथा 7 साल की सिंगर बेबी अंजलि ठाकुर के द्वारा मंदिर के प्रांगण में शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। किनी टाइम्स यूट्यूब फेसबुक पर सीधा लाइव प्रसारण प्रोग्राम दिखाया जाएगा। श्री हनुमान जन्मोत्सव का प्रोग्राम बाबा नीम करौली मंदिर ट्रस्ट तथा बाबा के सभी भक्तों के साथ मिलकर किया जा रहा है। किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर घर में इस विधि से करें बजरंग बली की पूजा, मिट जाएंगे जीवन के सभी संकट। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पूरे भारत में हनुमान जन्मोत्सव को बड़े ही उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। हालांकि हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि मान्यता है कि बजरंग बली आज भी धरती पर सशरीर मौजूद हैं। वे आज भी सभी के संकटों का निवारण करते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। इस दिन बजरंग बली के भक्त उनकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में कई शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इस दौरान कई उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। यदि आप भी हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करने में असमर्थ हैं, तो घर पर भी आप कुछ नियमों का पालन करके उनकी पूजा कर सकते हैं। आइए इस विधि को जान लेते हैं। हनुमान जन्मोत्सव 2024 पूजा मुहूर्त। हनुमान जन्मोत्सव या जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:20 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:53 से दोपहर 12:46 तक है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 9:03 से 10:41 तक है। घर पर ऐसे करें पूजा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ दें। फिर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर, अक्षत, फूल अर्पित करें। इस दौरान बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद रख सकते हैं, क्योंकि ये उन्हें अधिक प्रिय है। इसके बाद आसन पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद हनुमान जी की आरती जरूर करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन श्री राम जी की पूजा अवश्य करें। भूल कर भी ना करें ये काम। हनुमान जन्मोत्सव के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के दिन बाल कटवाने की भी मनाही है, साथ ही किसी का अपमान भी ना करें, अन्यथा अशुभ परिणामों को झेलना पड़ सकता है। प्रेक्षित किरण सिंह तंवर। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।